हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं बीच पे। ठीक है, ब्रेरो। तो यहाँ से मतलब कि होगा आधे घंटे का रास्ता पैदल पैदल, क्योंकि आज हम इसलिए जा रहे हैं, आज मौसम भी थोड़ा अच्छा है, मतलब ज़्यादा धूप नहीं है और आज छुट्टी भी है। सैटरडे संडे की छुट्टी होती है ना, तो आज सैटरडे है और यहाँ के सभी लोग, मतलब बहुत सारे लोग आप हमको वहाँ मिलेंगे बीच पे। तो दिखाते हैं आज आपको बीच का भी। ठीक है, हम भी वो सभी निकले हैं शाम के 4 बजे। ठीक है, पीछे पीछे अपने साथ भाई जी आ रहे हैं, ये भी अपने हरियाणा से ही हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको पैदल पैदल का रास्ता भी दिखा देते हैं। अभी हम बस घर से निकले, 1 मिनट हुआ है, एक ही गली क्रॉस किया है। कोई बात नहीं, आके आपको घर घर भी दिखाएंगे। ठीक है, कहाँ पे अपना घर, तो बाकी मैं लोकेशन डाल दूंगा अपने घर की प्रॉपर की। और अभी हम यहाँ से बस पैदल पैदल थोड़ी दूर है, तो अभी आपको बाकी रास्ते का सफर भी दिखाई देते हैं बीच में। बाकी बीच पे तो दिखाई दूंगा आपको बीच का प्रॉपर। तो गाइस, ये है आसपास की लोकेशन जहाँ से हम जा रहे हैं पैदल पैदल। ठीक है, अब यहाँ से आधे घंटे का रास्ता होगा अप्रोक्सीमेट, जिस हिसाब से भाई जी ने बताया, जो पीछे पीछे आ रहे हैं। ठीक है, आपने देखा था वीडियो में। ठीक है, तो जब तक फ्री है तो तब तक इतना इधर उधर की आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो बाकी वीडियो तो अपलोड कुछ दिनों बाद ही होती है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क का इशू भी रहता है, और जो नेटवर्क मेरी जो सिम में जो नेट है वो भी सिर्फ 28 GB है, 25 GB पूरा महीने का। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमको नेट भी अपना बचाना है। बाकी ये है आप सबका लोकेशन, तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में, दिखाता रहूँगा आपको। बाकी अभी तो फिलहाल नॉर्मली लोकेशन चल रही है। ठीक है, आगे जाके अगर जो भी कुछ भी अच्छी लोकेशन आएगी वो भी दिखाऊंगा आपको। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं थोड़ा सा और आगे, और ये है अपने जो सामने, आप बहुत दूर पे जो आप लोकेशन देख रहे हो, ये है वो अपना शिप स्टेशन। ठीक है, और हमको जाना है यहाँ से थोड़ा और इस साइड, तो आपको वहीं लेके चल रहे हैं। ठीक है, हम आए हैं इस साइड से, तो वहीं लेके चलेंगे आपको, तो मिलते हैं और आगे चल के। ठीक है, मामा से इस साइड ही आए हैं, जहाँ पे अपना ये पीछे आप देख ही रहे होंगे, ये अपना शिप का स्टेशन है। तो इस साइड से आए क्योंकि यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट है, भाई जी ने बताया। जब इस टाइम पीछे लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं ये अपना वीडियो बनाने में। ठीक है, ये भी अपना स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉगिंग। बाकी हम आ चुके हैं और आगे की तरफ। ठीक है, तो आपको लेके चलते हैं, तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में। बाकी मेरे आगे पीछे आप लोग देख ही रहे होंगे आसपास की लोकेशन। बाकी आज मैं नहाया नहीं हूँ सुबह से, ठीक है, कि हमको आज बीच पे जाना है, तो बीच पे जाके नहाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है ना। बाकी मैं लग तो नहीं रहा कि मैं नहाया नहीं हूँ, नहाया लग रहा हूँ, एक बाल खिंडे हुए हैं। कोई बात नहीं, बाल तो खिंडे ही है, हवा भी चल रही है आज। बाकी तो मिलते हैं आपको थोड़ा और, हम आ चुके हैं थोड़ा सा और आगे। ये है अपना नीचे का रेलवे ट्रैक पुल, जैसे अपने कुछेत्र में मोहन नगर का एरिया लगा लो। ठीक है ना, जैसे मोहन नगर में अपने एरिया की नीचे से भी रास्ता है पैदल जाने के लिए, ऊपर ये पुल जा रहा है मोहन नगर वाला, मान के चलो। ठीक है, और ये अपना ट्रैक पटरियाँ, तो हम यहाँ से हम लोग क्रॉसिंग करना है उस साइड, तो मिलते हैं आगे। तो गाइस, वहाँ से निकलने के बाद हम आ चुके हैं थोड़ा और आगे। ये अपना पता नहीं क्या भी होगा, जो भी होगा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमको इसके बारे में नहीं पता, पहली बार आए हैं, और ये जो पुल आ रहा है ये वहीं से उतर के आ रहा है। ठीक, तो गाइस हम पहुँच चुके हैं थोड़ा सा मिनी बीच लगा लो। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर मछुआरे होते हैं, मतलब मछलियाँ पकड़ने वाले लोग, उनकी एक उधर किश्तियाँ खड़ी हैं, थोड़ा कुछ लोगों की उधर खड़ी हैं। तो हमको जाना है थोड़ा सा इससे और आगे की तरफ, क्योंकि ये तो थोड़ा सा तालाब ही मान के चलो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, भीड़ भी नहीं है, बस नॉर्मली एक साइड का एरिया लगा लो। अभी यहाँ से तो थोड़ा बहुत और आगे है। ठीक, ये तो हम अंदर की तरफ आए हैं स्पेशल आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, ये आसपास की लोकेशन, तो हम जाएंगे यहाँ से थोड़ा और घूम के, तो आपको वहीं मिलेंगे आप सीधा। तो गाइस, हम थोड़ा सा और आगे चल के थोड़ा बीच साइड एरिया पे आए हैं इस टाइम भी।
बस वहाँ से थोड़ा आगे ही है, ये साइड में खड़ी हुई है अपने नाव मतलब किश्तियाँ। ये अपना ये सामने जो रेस्टोरेंट पे लोग बैठे हुए हैं इनके रेस्टोरेंट वाले का ही है ये, इसका मतलब कि जब इनका सीजन होता है जब यहाँ पानी फुल होता है ठीक है उस टाइम ये अपना मतलब कि ये पर आवर के हिसाब से या आधे घंटे के हिसाब से इसका पे करते हैं मतलब इसको ठीक है। ये अपना ज़्यादातर ये ऊपर मतलब कि अपार्टमेंट टाइप होटल टाइप भी है ना, ताकि टूरिस्ट आएँ तो इनके होटल में रहें और किश्ती पे नज़ारा लें, इसलिए भी अपनाया हुआ है। तो फिर जब हम जा रहे हैं यहाँ से एक अपना छोटा सा ब्रिज है इसके ऊपर से क्रॉसिंग करके यहाँ से हमको जाना थोड़ा और आगे। ये सारा इधर सूख गया, सारा पानी ख़त्म हो चुका है, हल्का फुल्का उधर ही है। चलो कोई बात नहीं, आपको बीच पे लेके जाएंगे जहाँ पानी भी होगा, लोग भी मिलेंगे आपको। बाकी ये यहाँ तो थोड़ा गंद टाइप ही है, गंद टाइप आपको अंदर का एरिया इसलिए दिख रहा है क्योंकि पानी नहीं है। अगर पानी इसमें आपको पानी पानी हो तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। बाकी गाइस ब्रिज क्रॉस करने के बाद ये है पीछे का नज़ारा, आसपास की लोकेशन, रेस्टोरेंट, सब कुछ ठीक है। तो टूरिज्म के लिए ये एरिया अच्छा माना गया है, बीच के बिल्कुल पास ही जड़ में ही है, छोटे से बीच के पास, जिसने मतलब कि छोटा मोटा रहना पीना हो, रहना खाने के लिए थोड़ा जगह भी देखनी है और उठते ही ठीक है थोड़ा बीच का नज़ारा भी लेना हो तो ये प्रॉपर उनके लिए, क्योंकि पास में ही रेस्टोरेंट भी है। तो बाकी ये ब्रेरो के अंदर ही है, बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मिलते हैं आपको और पास में टूर बीच के बिल्कुल पास में जहाँ पे लोग अपना मस्ती कर रहे होंगे, तो मैं दिखाता हूँ आपको वो भी। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अपना बीच के बिल्कुल एरिया पे, पार्किंग लगी हुई है यहाँ पे। अब हम आपको मिलते थोड़ा और आगे चल के मतलब बीच में मिलेंगे अब सीधा, ये तो बस पार्किंग ही है, बाकी आसपास की लोकेशन मिलते हैं आपको थोड़ा और आगे चल के। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपना बीच पे, अंदर आ चुके हैं, बस यहाँ से हमको जाना थोड़ा सा और आगे। तो मैं पीछे से वीडियो भी बना रहा हूँ क्योंकि आगे जाके पता नहीं ये यहाँ के लोग वीडियो बनाने देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे मतलब बीच पे लोग कैसे रहते हैं कैसे नहीं ठीक है। बस समझदार ही होंगे आप सभी लोग। तो अभी हम यहाँ से थोड़ी दूर से वीडियो, अगर आगे जाके मतलब कुछ एरिया ऐसा दिखा जहाँ से मैं वीडियो बना सकूँ तो आप लोगों को जोर दिखाऊंगा। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं बीच के बिल्कुल पास ठीक है, आसपास आप लोग देख के आ रहे हैं। बाकी अभी हम भी जाएंगे, देखते हैं कपड़े वगैरह यही निकाल के, तो उसकी तो वीडियो शायद ही निकाल पाऊंगा आपको ठीक है। तो बाकी कोई बात नहीं, मिलते हैं आपको। तो गई तो अभी यहाँ से ना वो किश्ती गई है ठीक है, तो उस चक्कर में यहाँ से लहरें आ रही हैं ठीक है। तो गई सर मैं जा रहा हूँ सीधा बीच के अंदर ही ठीक है, थोड़ा बहुत लगाएंगे डुबकी। गाइस ये पता नहीं किसी मछली वगैरह का है या किसका है, कुछ नहीं पता ठीक है ना। कि अभी हम जाएंगे बस यहाँ थोड़ा सा अपना सूख के घर की तरफ ही, तो दिखाते हैं आपको बाकी और पास का और भी नज़ारा दिखाएंगे आज। बाकी इतना रस नहीं है ठीक है, बिल्कुल भी रस नहीं है, बट फिर भी या तो कुछ लोग सुबह आके चले गए होंगे या जैसे भी होगा पता नहीं है फिलहाल। चलो खैर कोई बात नहीं, यहाँ से और दूसरे बीच पे लेके जाएंगे ठीक है ना। ये ब्रेलो के बीच है, बाकी यहाँ तो बीच है आसपास बहुत सारे ठीक है, अलग अलग सिटी के अलग अलग एरिया के, तो वो भी मैं आप दिखाता रहूँगा। तो गाइज अभी उस साइड से एक शिप आ रहा है ठीक है, लिस्बन से ब्रेलो की तरफ, तो अभी आप देखना कैसे यहाँ पे बीच में कैसी बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलो खैर जब वो लहर आएगी मैं आपको तभी दिखाऊंगा, वेट करने की जरूरत नहीं है आपको। उस साइड से तो लहरें आ चुकी हैं, अभी इस साइड से देखते हैं लहरें यहाँ पे।
की आ चुकी है लहरें और शिप पहुंच चुकी है उधर। ये देखिए नकी लहरों की आवाज भी आप लोगों को आ रही होगी पानी की। हाय 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 नजारे नजारे नजारे। चलो यार मिलते हैं आपको, ठीक है तो सो जाते हैं फिर मिलते हैं आपको। तो गाइज ये है बीच पे छोटी सी लोकेशन, आप लोग देख ही सकते हो। चलो ये हल्की सी है बीच की आसपास की। तो भाई ये है बीच के पास फोटो है, तो गाइज अब हम जा रहे हैं सीधा घर की तरफ। तो बाकी बताना कि मतलब कि आप लोगों को बीच का नज़ारा कैसा लगा। बाकी किसी को अगर पुर्तगाल के बारे में, यूरोप के बारे में कुछ भी जानकारी लेनी हो तो ठीक है कमेंट में जरूर बताना। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है भाई को भी और भाई को भी, दोनों भाइयों को, ठीक है। बाकी कुछ दिनों में भाई जी भी अपना यूट्यूब पे व्लॉगिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं उनकी आईडी मेंशन कर दूंगा इसमें या अगली वीडियो में जब भी होगी। तो दोनों भाइयों को भी, भाई को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी अब हम जाके देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं। बाकी खाने पीने का अब जाके खाना पीना ही खाना है, फिर करेंगे रेस्ट। बाकी आज मौसम हमें मतलब बहुत जेन्युइन लगा, गर्मी नहीं लगी। बाकी नहाने के बाद हमको ठंड लगनी है, धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है। मेरे तो दादा चढ़ लिया भाई, ठंडी हवा चल रहा है, जमा जमा पूरी चिल्ड हवा, जमा ठंडी पूरा ज्यादा। मतलब कि अभी हम टी शर्ट में घूम रहे हैं इसलिए हमको थोड़ी ठंड लगने स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि नहाने के बाद बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा, मतलब जैसे अपने माल तूफान चलता है ना ऐसे चल रहा था उसके बाद। बाकी चलो मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ। बाकी कुछ भी जानकारी लेनी हो यूरोप के बारे में, पुर्तगाल के बारे में, यहाँ के फ्लैट्स वगैरह का, रकम कुम का मतलब कैसे क्या मिलता है, फ्लैट कितने में कितना किराया है, जैसे भी जो कुछ भी जानना हो कमेंट में जरूर करें। बाकी कुछ भैया ने मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर रखा है, वो इंस्टा पे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं इंस्टा पे। बाकी मैंने अपनी इंस्टा आईडी मेंशन कर रखी है, इंस्टा पे फॉलो करो, इंस्टा पे बात कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी पूरी जानकारी लेनी है तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ।